नमस्कार, ये किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आप जो है पानीपत से देख पा रहे हैं। एम्बुलेंस एसोसिएशन जो है पानीपत से जो है किसान आंदोलन के समर्थन में जो है आ जाई है। बड़ी खबर आप पानीपत से देख पा रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी खबर ये है जो है पानीपत नेशनल हाईवे से देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर जो है एम्बुलेंस एसोसिएशन जो है किसानों के समर्थन में आ जाई है। लाइव तस्वीरें आप पानीपत के नेशनल हाईवे से देख पा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि किसानों का जो है आंदोलन लगातार जारी है और इसी को लेकर जो है सभी एम्बुलेंस एसोसिएशन जो है आज किसानों के समर्थन में यहां पर आए हैं। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। बड़ी खबर आप पानीपत नेशनल हाईवे से देख पा रहे हैं। बातचीत करेंगे। आज एम्बुलेंस एसोसिएशन जो है किसानों के समर्थन में क्या कहना चाहेंगे? क्या जी? किसानों के समर्थन में एम्बुलेंस हम भाई जो हमारे भाईचारों के साथ दिक्कत हो रही है, हमारी माता बहन वो बैठे हैं बॉर्डर पे, तो उसके खिलाफ हम अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, हम हड़ताल कर रहे हैं, हम दिल्ली जाएंगे। हम सभी एम्बुलेंस एसोसिएशन इकट्ठे हो गए। हम जो हमारे बहन भाई माता बहन बॉर्डर बैठी है उनकी सहायता पहले करेंगे। हम क्या लगता है आपको सरकार को झुकाएंगे? नहीं झुकेंगे, लोगों को झुकाएंगे। हम आदमी एक तंब होता है, आदमी से पढ़ के कोई नहीं। हमने खड़ा करें, हम उसको उजाड़ेंगे। पहले भी कई वार्ता सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है, लेकिन अब हमारे पंजाब पाकिस्तानी और पंजाब और हरियाणा पूरा इकट्ठा मिलकर और हिमाचल और राजस्थान यूपी इकट्ठा होगा, हम एक दबाव डालेंगे। हमारे उन बात माननी पड़ेगी ना, हम गोली लगने के लिए हम तैयार हैं। गोली मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, कोई दिक्कत यदि नहीं मानती तो एम्बुलेंस एसोसिएशन क्या कदम? बिल्कुल, अब पूरा हरियाणा पूरा पंजाब हम जाम करेंगे, हमारी कोई भी एम्बुलेंस नहीं चलेगी। इस बीच में जो है भैया, पहले हमारे भाई चाचो गोली के साथ में आत्महत्या का हुआ, हत्या उनकी अटैक और भाई का पहले हुआ हमारे लिए, जो हमारे भाई तनमंदन से बैठे हैं। तो आज कितनी एम्बुलेंस जो है? हमारी 15 एम्बुलेंस, अच्छा 6 एम्बुलेंस हमारी आगे सामान लेके जा चुकी है, केले वगैरह और अनाज लेके जा चुकी है 6 एम्बुलेंस। तो आज आप जो है समर्थन में आए हैं? हम भाईचारे के साथ और किसानों के साथ है, सरकार के साथ नहीं। हम यदि आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली जाओगे? दिल्ली जा रहे हैं हम, 6 हमारा 6 एम्बुलेंस हमारी सामान लेकर हम जा चुके हैं, हमारी 6 एम्बुलेंस जा चुकी है वहाँ लेके सामान। तो ये आप तस्वीरें जो है पानीपत के नेशनल हाईवे से देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर जो है आज जो है एम्बुलेंस एसोसिएशन जो है किसानों के समर्थन में आए हैं और कुछ ही देर में अभी ये जो है दिल्ली कूच करेंगे। और उनका कहना है कि किसान जो है किसानों के लिए या उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए चाहे इन्हें कुछ भी कदम उठाना पड़े उसके लिए उठाएंगे। कुछ और लोग हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई? जी आज किसानों के समर्थन में एम्बुलेंस? बिल्कुल सर, बिल्कुल आज समर्थन में हम उनका साथ देंगे। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका साथ देने के लिए हम जा रहे हैं। जो भी होगा आगे निर्णय होगा उनका देखेंगे। क्या लगता है सरकार को झुकेंगे? देखो झुकना पड़ेगा, किसानों की कोशिश है, एम्बुलेंस एसोसिएशन साथ में है, ठीक है, उनके साथ साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। पहले भी कई वार्ता सरकार और किसानों के बीच हुई, लेकिन बात नहीं कर पाई। क्या लगता है इस बार सरकार मानेगी? देखो जी, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। आपका किस तरह से सहयोग रहेगा? हमारा पूरी तरह से सहयोग है, 24 घंटे सेवा में उपलब्ध है। जिस तरह से सरकार की तरफ से दिया गया था बातचीत के लिए, क्या लगता है क्या फैसला आ सकता है? देखो जी, फैसला किसानों का मानना चाहिए, क्योंकि न्याय की उम्मीद है। बस सरकार के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा है उसमें हम उनका सहयोग देंगे। क्या लगता है ये जो कृषि कानून है इनसे क्या नुकसान है आम लोगों को? देखो जी, नुकसान का तो किसान को फायदा ही नहीं हुआ कभी, ठीक है, नुकसान का तो क्या बता सकते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी क्या कुछ नुकसान कृषि कानूनों से होने वाला है? किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, इसको लेकर क्या कहना? आप आज समर्थन में आए हैं? हाँ समर्थन में आए हैं, उनकी जाके सेवा करेंगे। जो कोई जिसको कोई चोट वेट है उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, इसलिए दिल्ली जा रहे हैं। सरकार यदि मांग नहीं मानती तो क्या आपके तरफ से क्या किस तरह से होगा? मानना पड़ेगा सरकार को मानना पड़ेगा। तो किसानों से जुड़ी ये बड़ी खबर है हम आपको पानीपत से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज जो है एम्बुलेंस एसोसिएशन जो है किसानों के समर्थन में आया है। खबर का जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तस्वीरें आप पानीपत हाईवे से देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि आज जो है किसान आंदोलन के समर्थन में पानीपत एम्बुलेंस एसोसिएशन जो आज आया है और किसानों
को लेकर जो है इनका कहना है कि इन्हें चाहे बीजेपी सरकार खट्टर मर गया, मोदी मर गया, अनिल विज मर गया, इन बाजांडा की सरकारी ने कुछ नहीं पता पिपलिया में गलत त्याग रख पाल गए कुकरो आगरा इनका बालक तो है नहीं, इन्हें क्या पता कैसे हमारे किसान भाई आतों को बीजेपी सरकार में कोई फायदा नहीं हो जाए, हमारे किसान भाई को आत्महत्या के संभालने ला कर दे कर्जदार हो चुके हैं, आत्महत्या करे बीजेपी सरकार के कारण, इस तरह पर सरकार गंदी सरकार हमने कभी नहीं देखी है, हम किसानों के साथ तन मन धन से तैयार हैं, भाइयों के साथ जब तक हमारा फैसला मारे कम नहीं आएगा हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, गोली मारे गोली लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी सरकार भारतीय किसान यूनियन एम्बुलेंस एसोसिएशन पानीपत एम्बुलेंस एसोसिएशन। तो ये तस्वीरें आप पानीपत हाईवे से देख पा रहे हैं जहाँ पर आज एम्बुलेंस एसोसिएशन जो है किसानों के समर्थन में आया, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए क्योंकि किसानों से जुड़ी खबर है और किसान लगातार है जो कृषि कानूनों के विरोध में है जो है दिल्ली में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसान एसोसिएशन के समर्थन में जो है पानीपत एम्बुलेंस एसोसिएशन आ जाया है और उनका कहना है कि अब ये कुछ ही देर में यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेंगे, तस्वीरें आप देख सकते हैं लगातार जो है किसान आंदोलन को लेकर जो है आम नागरिक जो है उनका भी जो है रोष लगातार बढ़ता जा रहा है, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।